हेलो फ्रेंड्स, ये है बेसन। हमने दो कटोरी बेसन ले लिया है, चार आम, दो टमाटर, दो हरी मिर्च। और मैं आज बनाऊंगी बेसन से मिंजनी। ये गर्मी के सीज़न में ही बनती है, आम से ही बनती है ये। और इसको ऐसे हम छिड़क छिड़क के पानी ऐसे छिड़केंगे और बूंदी बना लेंगे। जैसे मोतीचूर का लड्डू बनता है वैसी बूंदी हमें बनानी है। और ऐसे उंगलियों की सहायता से ऐसे चलाते रहेंगे और फिर से मैं पानी छिड़कूंगी। ऐसे ही हमको सारी बूंदी बना लेनी है, एकदम पानी नहीं डालना, नहीं तो बूंदी नहीं बनेगी और मिनी छोटी छोटी बूंदियाँ बन जाएंगी इसकी। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये मेरी मम्मी की तो फेवरेट थी, वो बहुत बनाती थी। देखिए बूंदी बन गई हैं, ऐसे हमने छिड़क छिड़क के बना लिया है। और अब हाथों से रब करेंगे इसको, जो बड़ी हैं वो छोटी हो जाएंगी ऐसा करने से। और ये ऐसे हमको करते रहना है इसको जब तक अच्छी बूंदी नहीं बनती है। और बहुत आसानी से ये बूंदी बनके तैयार हो जाती है। और चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। और ये सरसों का तेल हमने लिया है, आप चाहें कोई दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये बहुत अच्छी बनती है। तेल गर्म हो जाने देते हैं, एक दो डाल के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तेल हो गया है, अब सारी बूंदियों को हम डाल देंगे इसमें। हमें ये तब तक सेकना है जब तक इसमें से धीमी धीमी खुशबू नहीं आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, गोल्डन हो जाएंगी बूंदियाँ। ऐसे ही हमें सेक लेना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करें। और इसको मैं स्पून से दबा रही हूँ तो बूंदी मिट नहीं रही है, बूंदी बनी हुई है और खिली खिली हो जाती है, बिल्कुल दाना दाना मोती जैसा। और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखिए कितना हाथ में अलग अलग दिख रही है ये बूंदियाँ। ऐसे हमें फ्राई करनी है। और जब भी घर में कोई सब्ज़ी ना हो तब भी आप बना के खा सकते हैं, बिना आम के भी बन जाएगा। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए अभी ये सेक चुकी है, यहाँ पे हमें 10 मिनट लगभग सेकते हो गया था। और मैं फिर से सेम कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। अब हमें इसमें एक लाल मिर्च तोड़ के डाल दी हूँ, इसको भून लेते हैं। और एक चम्मच जीरा, इसको भी भून लूँगी, चटकने दूँगी। एक चुटकी हींग, इन सबको फ्राई कर लेते हैं। और हरी मिर्च हमने दो कट करके डाली है, उसको भी भून लेते हैं। तीखा तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और प्याज तो हमने कट करके रखा था लहसुन में, उसको भी डाल देते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत झटपट बन के तैयार होती है, इसमें पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। आम को भी थोड़ा सेक लेंगे तेल में तो ये आम कड़ा रहेगा, तो इसके साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आम उसका जो मिंजनी है इसके अंदर भर जाती है, उसको चूसने में बहुत मज़ा आती है। और एक टमाटर भी हमने कट करके डाला है, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं बिना टमाटर के भी, क्योंकि आम खुद खट्टा कर देगा। लेकिन मेरे पास था ज़्यादा तो मैंने डाल दिया है, टमाटर नहीं डालेंगे तब भी बनेगा। स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको फिर से मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर पका लेते हैं क्योंकि टमाटर भी गल जाए और दिखेगा भी तब भी इसमें अच्छा लगेगा। और ऐसे स्पून से मिक्स कर देंगे। और ये पक चुके हैं। अब एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच, और धनिया पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच। और सारे मसालों को हम ऐसे ही भून लेंगे, अभी पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा ये पक जाएँ उसके बाद पानी डालेंगे। देखिए कि ऊपर आ रहा है छड़ के, ये मसाले भून चुके हैं। और अब जो हमने जिस बर्तन में मिंजनी बनाई थी दाने दाने, उसी को हमने धुल के ये बेसन था वही डाल दिया है, उससे हमारा जो इसका रस होगा गाढ़ा होगा। और पानी आप ग्रेवी जैसा रखना चाहें। इसको कवर कर दिए हैं, यहाँ पे 2-3 मिनट हो गया है, बॉयल भी आ गया है सब्ज़ी में। और अब हम इसमें वही जो
बेसन रखा था ये बना के बूंदी, उसको डाल देंगे क्योंकि ये पहले से ही पकी हुई है, फ्राई की हुई है और अब बॉयल हो गया तो डाल देंगे। ऐसे ही हमको भूनना है, चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। बेसन वैसे भी जल्दी लगता है, 2-3 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया है। और देखिए ये बन चुकी है, एकदम दाना दाना दिख रहा है इसका अलग अलग। ये कढ़ी से भी अच्छी लगती है, अक्सर ऐसा होता है हमारे घरों में सब्जी नहीं रहती है तो आप बना के खा सकते हैं। और धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं इसको, और भी अच्छी लगेगी। ये मिंजनी हमारी बन चुकी है, हमारे यहाँ तो मिंजनी ही बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए अब सर्व कर लेते हैं। खास कर ये रोटी से भी अच्छी लगती है, लेकिन चावल के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने चावल बनाया है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिंजनी बन के तैयार है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। देखिए और मिंजनी हमारी बन चुकी है, एकदम दाना दाना खिला खिला अलग अलग दिख रहा है। बाय बाय।